बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया गया है कि जीरकपुर में पंजाब पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर गगनवीर उर्फ राजन को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर दिया। बताया गया है कि उसकी टांग पर गोली लगी है, जिसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि दो गैंगस्टर्स मौका पाकर फरार हो गए थे। इनका गोलीकांड जो कि पंचकुला के हरमिलाप नगर में हुआ था, उसमें नाम था और मुख्य आरोपी ही गगनवीर है, जिसको पुलिस ने अब एनकाउंटर में घायल कर दिया और गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कुछ दिन पहले पंचकुला जीरकपुर बॉर्डर पर एक कबाड़ी की दुकान में गोली चली थी और गोलीकांड में संतोष नाम के युवक को गोली लगी थी, जिसकी दो दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जीरकपुर में बल्टाना पुलिस चौकी के पीछे घग्गर नदी के करीब ये मुठभेड़ जो है वो हुई है। मुठभेड़ में ढकुली एसएचओ सुखबीर और बल्टाना चौकी प्रभारी जशनदीप सिंह को चोटें आई हैं। घायलों को ढकुली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। और बता दें कि हरमिलाप नगर में 9 अक्टूबर की आधी रात को गोली चलाई गई थी और मुख्य आरोपी यानी कि गैंगस्टर गगनवीर उर्फ राजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। और बता दें कि ये पूरी मुठभेड़ शुक्रवार शाम को हुई है। पुलिस ने मौके से दो खोल और 0.32 बोर का एक पिस्तल भी बरामद किया है और ऑपरेशन का नेतृत्व डीएसपी विक्रम बराड़ कर रहे थे। उनकी टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। बता दें एनकाउंटर के बाद एसपी डिटेक्टिव अमनदीप सिंह बरार खुद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का उन्होंने दौरा किया। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है कि गैंगस्टर राजन ने पंचकुला के क्लब मालिक से रंगदारी भी मांगी थी। इसके अलावा सकेतड़ी के मृत हत्याकांड में भी वो शामिल था। पुलिस अस्पताल से छुट्टी होने के बाद ही गैंगस्टर के साथियों और गिरोह के बारे में पूछताछ करेगी। अभी तक की पूछताछ में यही सामने आया है कि इलाके में चल रही सट्टेबाजी को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ था और रंगदारी नहीं देने पर ही हमला किया गया था। अब फिलहाल गैंगस्टर का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इलाज के बाद ही कुछ पहलू कुछ साक्ष्य पुलिस खुद जुटा पाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।